मऊगंज लाया गया सीएएफ जवान का पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ में साथी जवान की फायरिंग में मऊगंज सहित मैयर के जवान की हुई थी मौत, रीवा के दो जवान अभी भी है घायल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से सीएएफ जवान का पार्थिव शरीर आज गृहग्राम मऊगंज के ग्राम गुरेटा लाया गया। जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही अंतिम दर्शन को लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। वहीं मऊगंज विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी भी गुरेटा गांव पहुंचे और जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एंटी नक्सल टीम के कैंप में सीएएफ के साथी जवान ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में मऊगंज के गुरेटा निवासी संदीप पांडे व मैयर जिले के पौंडी गांव निवासी रुपेश पटेल की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि रीवा के ही रहने वाले दो जवान घायल हुए थे। बता दें कि इस घटना के बाद जानकारी मिलते ही सीएएफ जवान संदीप पांडे का पूरा परिवार छत्तीसगढ़ पहुँच गया था, जहाँ से आज उनका पार्थिव शरीर ग्राम गुरेटा लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि गांव में जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और परिजनों का हाल देख लोगों की आंखें नम हो गई। इधर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी गुरेटा गांव पहुंचकर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि संदीप पांडे की मौत हृदय गति रुकने से बताई जा रही है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी।